मरने जैसी हालत हो जाती है कि मौसम खतरा आज है। रात को भी वैसा ही कुछ माहौल होगा मेरे ख्याल से। वहाँ पर कल जोर से बम फटने जैसी आवाज़ आई थी और सबकी लाइट चली गई थी, पर उसके बाद आ गई थी आधे एक घंटे बाद। पर अभी भी वहाँ काम चल रहा है, पता नहीं शायद उस सोसाइटी की लाइट नहीं आई होगी इसलिए। पर अच्छा है ये लोग कल से ही काम कर रहे हैं। लाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर लाइट नहीं हो, वो भी गर्मी के टाइम, तो मरने जैसी हालत हो जाती है। क्योंकि पंखा तो ज़रूरी है वरना बहुत गर्मी लगती है, खासकर ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे बारिश थोड़ी बहुत होके बंद हो जाती है, या तो कंटिन्यूसली हो या तो नहीं होनी चाहिए। बीच का अगर होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ आवर लंच फॉर टुडे। बाहर बारिश हो रही है, देखो पूरा गीला हो गया है, और अब हम टीवी देखेंगे। मुझे आमरस सब्जियों के साथ ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक, जैसे हम लोग रोटी में सब्जी डाल के खाते हैं, तो वैसे मैं रोटी में सब्जी और आमरस दोनों मिला के खाता हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। देखो कैसे पसंद है। मेरे को आमरस चाहे उस बस आमरस होना चाहिए उसके साथ, जो भी चीज़ हो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और ये आज दूसरे वाले आम का रस बना हुआ है, दो अलग टाइप के होते हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर ये दूसरे वाले टाइप का आमरस है। आज का मैंने टेस्ट किया, जब वो मैं निकाल रहा था तो थोड़ा एजिस पे था, तो मैंने तो अच्छा लग रहा था। टीवी में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है अभी तक, तो मैंने देखा भी नहीं है वैसे। अच्छा बस मौसम हो रहा है, इतना सॉलिड मौसम हो रहा है। ये मौसम में टीवी बंद हो जाती है, ये मौसम खतरा है टीवी के लिए। मतलब टीवी के देख, बाकी सारी चीज़ों के लिए ये मौसम खतरा है, पर ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा हो रहा है ये चीज़। मतलब समझ रहा है, तो ठंडा ठंडा लगता है, रात को नींद कितनी अच्छी है, तो सोच रहा है। सारे चैनलों पे बकवास चीज़ें जो हम लोग देखना, मतलब वो जो नीचे होता है ना ये चीज़, उस पे देख के मैं बंद कर देता हूँ। उसका लोड होने में भी टाइम नहीं लगा था। तो फिलहाल थोड़े थोड़े ड्रिजल्स हो रहे हैं, अभी हम लोग खा के ऊपर आए, टीवी पे इतना अच्छा कुछ आ रहा नहीं था, तो मैंने सोचा फालतू तो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, ऊपर चलते। तो फिर ऊपर आके देखा तो भाई हाय 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 हाय, क्या हवा आ रही है। कल रात को भी बिल्कुल ही अच्छा माहौल हो रहा था, मतलब आपको फैन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा बढ़िया हवा आ रही थी। और अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो आज रात को भी वैसा ही कुछ माहौल होगा मेरे ख्याल से। पर एक डिसएडवांटेज है, हवा चलती है तो बहुत सारी धूल भी घर में आती है। मम्मी बोल रही थी आज की जब सुबह सफाई की, तब बहुत ज़्यादा धूल थी, मतलब नॉर्मल डे से, क्योंकि कल ज़्यादा हवा चल रही थी तो फिर ज़्यादा धूल आई होगी। नॉर्मली मैं और सनी विंडो खुली करके ही सोते हैं क्योंकि हवा ट्रांसफ़र होती रहती है, फिर तो हमको सफोकेशन जैसा फील नहीं होता है। अभी सब कुछ बंद है, थोड़ी देर आप अंदर रहो तो फिर थोड़ा सफोकेशन जैसा होता रहेगा, इसको अगर थोड़ा ही खोल दो इसको तो बहुत प्लेजेंट लगता है। और वैसे बारिश का सीजन होता बहुत अच्छा है, पर मेरे को एक दो रीजंस की वजह से नहीं पसंद। लाइट बहुत जाती है इस वाले सीजन में, और चीज़ें बहुत गीली होती है, मतलब अगर किसी दिन धूप नहीं आई, थोड़ी भी नहीं आई, तो फिर कपड़े नहीं सूखते। पर ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ों के अलावा बहुत ही बढ़िया सीजन है। पहले हम लोग क्या करते थे, स्कूल से वापस आते थे और बारिश हो रही होती थी ना, सब कपड़े वपड़े निकालते थे, गीले होके आते थे। एक तो हम लोग का बस स्टॉप रोड पे था और वहां से कुछ 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था हमारा घर, तो वहां से हम लोग वॉक करते हुए घर आते थे, तो घर आते आते गीले हो जाते थे। अगर नहीं भी होते थे तो हम लोग घरों की वो वाटर आउटलेट नहीं होती टेरेस पे से, उसके नीचे से ऐसे चल के आ रहे होते, तो बड़ा मजा आता था। हम लोग मेनली बस बैग बचाते थे क्योंकि बुक्स नहीं गीली हो जाए, बाकी तो हम लोग कितने भी गीले हो घर पे जाके कपड़े उतार, नए कपड़े डाल के वापस सो जाते थे। मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल नींद। और ऐसे टाइम पे तो मैं रजाई में घुस के टीवी देखता रहता था, मतलब पूरा मस्त मस्त हो रहा होता था। बाहर बारिश देखो कैसी बारिश हो रही है, अंदर टीवी देखो, और बस मौज वाली लाइफ चलती रहती थी। अभी खैर इतना ज्यादा चिल नहीं होता है, पर ठीक है, वो वाली यादें ताजा हो जाती है बारिश को देख के। अभी ये सीन है, कम से कम रात की जो नींद है वो नॉर्मली अच्छी आएगी, पर फिलहाल वैसे गर्मी होनी चाहिए। पिछले साल तो इतनी गर्मी में दिन निकाले, आपको क्या ही बताओ, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब हम लोग को लिटरली टेरेस पे भी नींद नहीं आई, इतनी गर्मी होती थी उस वाले घर पे। तो इस वाले घर पे तो ये वाली विंडो है जहाँ से बाहर से हवा आती रहती है,
पर वो वाला घर ऐसे बीच में था, तो फिर जो हवा आने की डायरेक्शन थी वो बस आगे पीछे से भी नहीं, आगे से ही सिर्फ, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो फिलहाल गाइस बाहर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बरसात आ रही है। फ्लैश उधर मत कर, उधर छोड़ने जाएगा। थोड़ी थोड़ी बारिश आई और उसकी वजह से वापस लाइट चली गई है। ये हम लोग को ये फ्लैश से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है वीडियो। पर ठीक है, बारिश अच्छी होगी। कुछ देर पहले लाइट आ गई थी, खाना वाना अच्छे से हो गया, वरना काफ़ी दिनों तो ऐसे होता है कि अंधेरे में हम लोग को खाना पड़ता है। अब हमारे पहले वाले घर में एक ही फ़ोन को ऐसे लगा दो उल्टा करके सीलिंग की तरफ फ्लैश लाइट करके, तो वहाँ पे लाइट अच्छी हो जाती थी। यहाँ पे इतना जल्दी नहीं हो पाता, यहाँ पे सीलिंग थोड़ी ऊपर है तो उसलिए लाइट पहुँचने में थोड़ी दिक्कत होती है हर जगह पे एक फ़ोन से। इसलिए हम लोग के मल्टीपल फोन्स, और फोन्स में भी चार्ज था मेन चीज़ तो ये, क्योंकि मैं अभी तो पूरे दिन ही चार्ज करते रहा था। अभी भी मेरे को ब्लॉग शूट करना होता है, कभी मेरे को ब्लॉग एडिट करना होता है, कभी मेरे को दूसरे वीडियोज एडिट करना होता है, बहुत चीज़ें होती है। इसलिए मैं फोन को चार्ज करके ही रखता हूँ मोस्टली टाइम पे, और ये फायदेमंद भी साबित होता है ऐसे टाइमों पे। जो मम्मी बोलती है ला तेरे फोन का फ्लैश, हम लोग को खाना बनाना है ये करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से रेनी सीजन थोड़ा अनोइंग हो जाता है, पर सीजन बहुत अच्छा है। जैसे अभी रात को आप देख रहे हो, मैं जब गर्मी में शूट कर रहा होता था, आज से कुछ 7 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 7 दिन पहले भी अगर मैं ऐसे ब्लॉग का एंडिंग शूट कर रहा होता था ना, तब मेरे को इतना पसीना आ गया होता था, इतना पसीना मतलब आप लोग को क्या बताऊँ। थोड़े वीडियोज़ पहले जाके ही देख लो, कौन सा वीडियो किया था सनी अपने ने, वो एक एक कोई वीडियो किया था, मैं नहा के जस्ट निकला ही था बाथरूम से, और मैंने कुछ 2-5 मिनट तक बोला कैमरा में, सर मेरे को बोलता है कि भाई तू पूरा पसीने से नहा गया अभी तो, इतनी गर्मी थी। तो ये टेम्परेचर थोड़ा लो चला गया, वो एक फायदा है। और अभी भी थोड़ी बारिश आ रही है, आउटर टेरेस है वो थोड़ा बहुत गीला, तो अभी मैंने रॉकी को थोड़ा बाहर निकाला था, भाई सीधा टेरेस पे चले गए और दौड़ दाड़ करने लगे, मतलब खेलने की कोशिश करने लग गया भाई। वो पूरा गीले टेरेस पे 2 बार गिर गया, मैं उसको बार बार पकड़ रहा, मैंने भी वो चप्पल वो स्लिपरी वाले पहने थे, उसके पीछे मैं भी नहीं भाग सकता। फिर एक बार जब वो गिरा मैंने उसको उठाया, फिर मैं टेरेस से नीचे आने लगा वही चप्पल पहन के। एक तो मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं गिर गया तो मैं ही नहीं, रॉकी भी गिरेगा नहीं ऐसा था, तो बड़ा ही यार ये चीज थोड़ा पंगा हो जाता है। बारिश के टाइम पे कहीं पे भी गिर पड़ सकते हो, बारिश के टाइम पे थोड़ा बहुत टेरेस का भी मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। फिलहाल नींद बहुत ही बढ़िया आने वाली है, कल रात की नींद की हम लोग बात कर रहे थे मैं और सनी की, बहुत ही बढ़िया नींद आई कल रात को। कल तो पप्पा भी हमारे साथ ही सो गए थे यहाँ पे। यार तूने पुराने घर की बात की तो मुझे अपना टेरेस याद आ गया। हम लोग भाई टेरेस की अगर बात करें ना, तो पुराने घर का टेरेस बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के 3 टेरेस हुआ करते थे, 1, 2, 3 समझ लो, तीनों एक ही लाइन में, और तीनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं थी। जो दीवार थी वो फर्स्ट वाले घर के यहाँ पे और लास्ट वाले घर के यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बन जाता था। हम लोग इतना खेलते थे वहाँ पे, अभी भी कोई भी मामा लोग आते हैं हमारे घर पे तो ऐसा ही बोलते हैं, यार तुम लोग तो वहाँ का टेरेस बड़ा मिस करते होंगे, वहाँ तुम लोग हमेशा खेलते रहते थे। हम लोग वहाँ बारिश तक में खेलते थे। पिछले साल वेट टीपीएल कितना खेला अपने ने, वही तो एक नया फॉर्मेट निकाल दिया था बारिश में खेलने के लिए, एक पूरा नया फॉर्मेट निकाल दिया। और उसमें हम लोग क्या करते थे, वो वेजिटेबल की जो थैली नहीं आती प्लास्टिक वाली वो ऐसे हेलमेट बना लेते थे ताकि हम लोग को सर्दी वर्दी नहीं हो। और हमारी मम्मी बहुत डांटती थी हम लोग को, मतलब कि तुम लोग ऊपर मत जाओ, तुम्हारा सर गीला हो जाए, सर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हम लोग ने सीधा वो थैली वेली डाल लेते थे, और वो थैली बड़ी काम आती थी सनी, उसमें एक छींटा पानी अंदर नहीं जाता था, पर उसमें भी इतना गिरने का डर होता था, मतलब हम लोग ऐसे थोड़ा भी नहीं भाग सकते, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा अगर भाग आपको टीपीएल का फुल फॉर्म नहीं पता तो टेरेस प्रीमियर लीग, और वेट टीपीएल मतलब वेट टेरेस प्रीमियर लीग। भाई क्या मजा आती थी वहां खेलने की यार, अपने कभी वापस नहीं जा सकते ना, सिर्फ खेलने के लिए कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते। हाँ सिर्फ खेलने के लिए नहीं जा सकते हम लोग, पर अगर हम लोग उस टाइम पे अगर ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर देते सनी तो बड़ा अच्छा वो खेलने लेगा बताते हैं अपन। कोई बात नहीं, किस्मत ने चाहा तो कभी जाएंगे खेलेंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको बाय बोलते हैं, आप लोग का आगे का दिन बहुत अच्छा जाए मैं ये दुआ करता हूँ। सेफ रहो, सिक्योर रहो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी बाहर जाओ, मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहो। अगर ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने हैं हर रोज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का बटन है, अभी अभी 400 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके वो वाला नंबर भी बढ़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए पीस आउट।